Today we study linear charge density या continuous charge density. आपके पास continuous charge density का मतलब क्या है? अब तक जो आपने पढ़ा वो था कि अगर एक single charge कहीं होगा तो उसकी वजह से force कितना apply होगा, उसकी वजह से electric field कितना होगा. तो दो point charges के लिए force हमने कूलम force से पढ़ा, जो कितना था k q1 q2 by r square. एक point charge q हो r distance पे, अगर unknown point p होगा तो उसकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. आज हम स्टडी करने वाले हैं ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से क्या इम्पैक्ट आता है, और ये जो पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला है इनको ग्रुप ऑफ चार्जेस पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं. तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस यूनिफॉर्मली होगा वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा. बेसिकली थ्री टाइप्स का होता है. फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई कंडक्टिंग वायर है, ये वायर है और इस वायर की लेंथ कितनी है, एल. मैंने इसको चार्ज देना स्टार्ट किया तो चार्ज इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया. अब मैंने जो टोटल चार्ज दिया उस चार्ज की वैल्यू कितनी बोल दी, क्यू. ये एक सिंगल चार्ज नहीं है, ग्रुप ऑफ चार्जेस है. तो हम बोलेंगे कि एल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज. यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज दोगे, क्यू बाई एल. और ये जो यूनिट लेंथ पे चार्ज आता है डेट इज नॉन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेट इज लैम्डा. लैम्डा इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू बाई एल. तो अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन देना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट लेंथ. तो पर यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको क्या बोला जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी. और क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी, इफ ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली. जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड करें, कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करें और कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किए ओवर ए लाइन, एक लाइन के ऊपर. अब वायर के पास लाइन ही है आपके पास. दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक लाइन के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा. अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का यूनिट क्या होगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल. चार्ज का यूनिट क्या हो गया, कूलाम, और लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर. इसका डायमेंशन क्या बनाएंगे, कूलाम की डायमेंशन होती है ए वन टी वन और मीटर की डायमेंशन कितनी होती है, एल वन. तो ए वन टी वन एज इट इज, एल वन ऊपर गया तो एल माइनस वन आपके पास हो गया. अब केस है कि अगर चार्ज स्मॉल हो और वो स्मॉल लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो तो फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, भाई आपके पास हम बोलेंगे डी एल लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर डी क्यू. यूनिट लेंथ पे कितना होगा, डी क्यू बाई डी एल. और इसी को क्या बोला जाएगा, बस लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेट इज इक्वल टू लैम्डा. स्मॉल के टर्म में लैम्डा क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एल. ये टर्म आगे आपके काम में आने वाली है. अब देखिए, अब जरूरी नहीं है कि लीनियर का मतलब स्ट्रेट वायर हो. आप एक वायर को सर्कल में अगर फॉर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगी, रिंग बन जाएगी. और एक रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होता है, तो देखिए ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस कितना बता दिया हमने, आर. और इस रिंग का जो लेंथ है वो इसका क्या है, सरकमफ्रेंस. भाई एक स्ट्रेट वायर है उसको अगर सर्कल बनाओगे तो ये लेंथ ही तो सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट होगी. इसका मतलब इस बार जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 पाई आर. और 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू. यूनिट पे कितना होगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर. डेट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. तो अगर बोला जाए रिंग के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2 पाई आर. ये आपके एग्जाम्पल नंबर 2.4 में ये कंसेप्ट काम में आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला. आपके पास सेकंड जो डेंसिटी है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. वहाँ पे एक लीनियर वायर था, यहाँ पे क्या होगी, एक सरफेस होगी आपके पास. तो हमने एक स्क्वायर कंसिडर कर लिया आपके पास, या कोई भी सरफेस, प्लेन सरफेस कंसिडर कर सकते हैं जिस पे यूनिफॉर्मली चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. और इस सरफेस का सरफेस एरिया कितना मान लिया, एस. मतलब इस पूरे का एरिया कितना है, एस है. और इस पर कितना चार्ज है, क्यू. तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे सरफेस पे कितना चार्ज दिया हुआ है, क्यू. यूनिट सरफेस पे कितना दोगे, क्यू बाई एस. डेट इज नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी.
सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन पर यूनिट एरिया या पर यूनिट सरफेस। आपके पास और क्या डेफिनेशन हो सकती है, इफ़ ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली हो ओवर ए सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर, देन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इज नॉन एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास इसका यूनिट क्या बनेगा, तो चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और सरफेस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। आपके पास यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, कूलाम का यूनिट या डायमेंशन क्या होता है, A1T1 अपॉन मीटर स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा, L2। सिंप्लीफाई करोगे तो L2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, L-2A1T1। ये है डायमेंशन किसकी, सिग्मा की। सिमिलरली अगर मान लो कि स्मॉल चार्ज DQ है और स्मॉल सरफेस एरिया कितना है, DS, तो फिर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा इक्वल टू DQ/DS। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, बात पे ध्यान देंगे, स्फीयर कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग। देखो स्फीयर हम आयरन का भी बना सकते हैं, स्फीयर हम प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, लेकिन आयरन का स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाएगा और प्लास्टिक का स्फीयर जो होगा वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बोला जाएगा, दोनों की प्रॉपर्टी में चेंजेस हैं। मान लीजिए अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टर का मतलब है जहाँ चार्जेस का मूवमेंट अलाउ है, चार्जेस का मूवमेंट अलाउ, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किए लेकिन यहाँ चार्ज मूव कर सकते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन, तो जहाँ आप इनको रखना चाहोगे वहाँ नहीं रहेंगे, ये रिपेल होके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, अवे हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम कहाँ जा सकता है, ये चार्ज सरफेस पे चल जाए, ये चार्ज भी कहाँ चल जाए, सरफेस से, तो बीच से क्या हो जाएगा, ब्लैंक। इसका मतलब कि जब कंडक्टिंग सरफेस कैसा भी हो, शेप से फर्क नहीं पड़ता, अगर कंडक्टिंग सरफेस है तो चार्ज जो आपको मिलेंगे वो उसके सरफेस पे मिलेंगे, क्योंकि सरफेस पे डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। आपके पास इनसाइड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल आपको कभी कोई चार्ज गेन नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल के इनसाइड में चार्ज कितना होता है, जीरो। कंप्लीट चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यू टू द रिपल्शन, और कंडक्टिंग सरफेस ले इसलिए चार्जेस का मूवमेंट क्या आपके पास अलाउ है। अब हमने क्या लिया, कंडक्टिंग स्फीयर लिए, स्फीयर जो होता है उसका एरिया कितना होता है, 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया कितना है, 4πr² पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज, तो यूनिट पे कितना होगा, क्यू अपॉन 4πr², देन सिग्मा की वैल्यू यहाँ क्या होगी, क्यू अपॉन 4πr². तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr². थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रो से, इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जैसा आपके पास टॉपिक का नाम है उसके अकॉर्डिंग चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन था, जब हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो चार्ज ओवर द लेंथ डिस्ट्रीब्यूट था, जब सरफेस पे कर रहे थे तो चार्ज ओवर द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट था, अब जब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे तो चार्ज ओवर या इनसाइड द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने क्या लिया, एक क्यूब कंसिडर कर लिया, ये क्यूब है आपके पास, इस क्यूब के इनसाइड में हर जगह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस क्यूब का वॉल्यूम मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कितना है, V, और कितना चार्ज दिया गया, Q, तो हम बोलेंगे V वॉल्यूम पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, यूनिट वॉल्यूम पे कितना होगा, Q/V आपके पास, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉन एज लीन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इसको लिख देंगे रो, तो रो इक्वल टू कितना बन जाएगा, Q/V। डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पर यूनिट वॉल्यूम, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और क्या डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन हो सकती है, इफ ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एंड कंटिन्यूसली, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली और कंटिन्यूसली हो ओवर ए वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के ऊपर, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास इसका यूनिट, तो चार्ज का यूनिट कूलाम और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या बनेगा, कूलाम का डायमेंशन A1T1 और मीटर क्यूब का डायमेंशन L3।
एल थ्री ऊपर जाएगा, एल माइनस थ्री ए वन टी वन, ये इसका क्या बन गया डायमेंशन। कंसिडर कर रहे हैं अगर चार्ज कितना हो डी क्यू और वॉल्यूम कितना हो डी वी, देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना लिखा जाएगा डी क्यू अपॉन डी वी, आपके पास ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने कौन सा लिया, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। देखिए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है उस पर चार्ज होल्ड तो हो सकता है लेकिन चार्ज मूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चार्ज मूव करना लग जाएगा तो करंट फ्लो होगी। आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में करंट फ्लो नहीं होता, इसका मतलब चार्ज किसी भी कंडीशन में मूव नहीं कर सकता। तो हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर लिया, उसके ऊपर यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया आपके पास चार्ज, और ये चार्ज इसके ऑल ओवर वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कितना चार्ज है क्यू। अब ये स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³, पे कितना चार्जेस है क्यू चार्ज है, तो यूनिट पे कितना होगा क्यू अपॉन 4/3 πr³, डेट इज नॉन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके लिए है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म के अंदर, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार लीनियर चार्ज डेंसिटी डेट इज लैम्डा के टर्म में, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक बार फॉर्मूला लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम रो के टर्म के अंदर आपके पास। तो क्या है आपके पास, ये हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज डी क्यू। अगर आपके पास एक डी क्यू स्मॉल चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। देखिए अगर मान लीजिए चार्ज क्यू है, डिस्टेंस आर है, और पॉइंट कितना हो पी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इसी को वेक्टर टर्म में लिखना हो तो इधर वेक्टर लगाएंगे और इधर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमने बोला कि अगर चार्ज स्मॉल हो डेट इज डी क्यू, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा डेट इज डी, तो ये हो गया डी ई और ये कितना हो गया डी क्यू आपके पास। तो स्मॉल चार्ज की वजह से वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है डी ई वेक्टर इक्वल टू के डी क्यू आर स्क्वायर ऑफ आर के, तो ये कितना हो गया डी ई वेक्टर बराबर के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऑफ आर के। हमने बोथ साइड क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया आपके पास, इधर इंटीग्रेशन क्या बनेगा 1D, तो 1D का इंटीग्रेशन कितना होता है ई वेक्टर, यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू आर स्क्वायर ऑफ आर के। ये हमारे पास फॉर्मूला आया इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास। अब हम बात कर रहे हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की आपके पास, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था स्मॉल के लिए, क्या पढ़ा था कि डी एल लेंथ पे कितना चार्ज आता है डी क्यू, यूनिट लेंथ पे कितना आएगा डी क्यू बाई डी एल, इसको क्या बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी लैम्डा ऑफ डी एल, तो ये फॉर्मूला सीधा लिख दिया कि डी क्यू क्या होता है लैम्डा डी एल होता है। आपका ये जो फॉर्मूला गिवन है इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई वेक्टर हमें पता है कितना होता है के इंटीग्रेशन डी क्यू बाई आर स्क्वायर ऑफ आर के, लेकिन डी क्यू को क्या लिख सकते हैं लैम्डा डी एल, लैम्डा डी एल, तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा के इंटीग्रेशन लैम्डा डी एल बाई आर स्क्वायर ऑफ आर कैप। यहाँ पे लैम्डा क्या है कॉन्स्टेंट, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा, तो के लैम्डा बाहर इंटीग्रेशन 1/r² dl ऑफ आर के। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी में, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने क्या पढ़ा था डी क्यू इक्वल टू क्या होता है सिग्मा डी एस होता है, ऊपर देखेंगे आपने पढ़ा है अभी डी क्यू इक्वल टू क्या होता है सिग्मा डी एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या पढ़ा इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर ऑफ आर के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, यहाँ डी क्यू की जगह क्या रखेंगे पास सिग्मा डी एस, डी क्यू की जगह रखा सिग्मा डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया के इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस आर के अपॉन आर स्क्वायर। सिग्मा क्या है कॉन्स्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा पास के सिग्मा इंटीग्रेशन डी एस बाई आर स्क्वायर ऑफ आर के। इसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने वॉल्यूम चार्ज क्या पढ़ा डी क्यू इक्वल टू कितना होता है रो डी वी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है के इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई आर स्क्वायर ऑफ आर के। डी क्यू की जगह क्या रख देंगे रो डी वी, डी क्यू की जगह रो डी वी, रो भी क्या है कॉन्स्टेंट, तो क्या हो गया के रो इंटीग्रेशन 1/r² dv ऑफ आर के। ये किसका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। थैंक यू।